हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 15, जो प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता। अब प्रोबेबिलिटी होता क्या है? प्रोबेबिलिटी जैसे हम बोल देते हैं कि एक अनुमान लगाना, उसे क्या बोला जाता है? प्रोबेबिलिटी। देखो, अगर बोल दिया जाए कि दो टीमों के बीच में मैच हो रहा है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच में मैच चला है, तो वहां पर कुछ लोग बोलेंगे कि इंडिया जीतेगा, कुछ बोलेंगे कि पाकिस्तान जीतेगा। ठीक है, तो उसमें क्या है, एक अनुमान लगाया जा रहा है, प्रोबेबिलिटी उस पे आ रही है कि क्या पता इंडिया जीते, क्या पता पाकिस्तान जीते। तो उसमें कोई सही उत्तर नहीं हमें मिलता, तो उसको हम बोलते हैं एक अनुमान लगाना, या फिर प्रायिकता उसको बोल देते हैं, प्रोबेबिलिटी। रही बात आपकी, जैसे मौसम खराब हो, तो मौसम खराब होने की वजह से आप भी क्या बोलते हैं कि कुछ लोग बोल देंगे कि आज बारिश होगी। ठीक है, कुछ बोलेंगे कि सिर्फ थोड़ी देर के लिए बारिश होगी, या फिर बोलेंगे बारिश नहीं होगी। तो वो क्या है, सिर्फ एक अनुमान लगाना। ठीक है, अनुमान लगाने को हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी। अब जो प्रोबेबिलिटी है उसको हम, इसका थोड़ा सा बेसिक है, उसके बाद हम इसके क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो देखो इसमें सबसे पहले क्या आएगा कि प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला है उसको हम कैसे लिखते हैं। ठीक है, देखो प्रोबेबिलिटी नंबर एक पे लिख देंगे हम प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकाली जाएगी? नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल आउटकम्स। ठीक है, आप यहां टोटल आउटकम्स भी लिख सकते हो और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स भी लिख सकते हो, दोनों लिख दोगे कोई बात नहीं। ठीक है, अब दूसरे नंबर पे जो बात आती है उसको समझने की कोशिश करेंगे कि जो प्रोबेबिलिटी है, यानी कि पी ऑफ ई। ठीक है, पी ऑफ ई बन गया हमारा प्रोबेबिलिटी। ये जो है हमारा, वो किसके इक्वल है? यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मैंने रखा, वो लेस देन और इक्वल टू वन होगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी जो है लेस देन इक्वल टू वन होगा, या फिर क्या होगा, जीरो के, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी है वो ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, या फिर जीरो लेस देन प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी जो लेस देन वन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो वन हमारा है, ये जो वन है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं वन, ये श्योर इवेंट है हमारा। क्या है ये? श्योर इवेंट। ठीक है, और जो हमारा जीरो है वो इम्पॉसिबल इवेंट है, इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, तो इतना आपको लग गया पता कि वन जो है वो श्योर इवेंट है और जीरो जो है इम्पॉसिबल इवेंट है। अब इसमें बात आती है नेक्स्ट, हमारी नेक्स्ट बात आएगी इसमें, एलिमेंट्री इवेंट्स। ठीक है, एलिमेंट्री सॉरी एलिमेंट्री या एन आएगा, एलिमेंट्री इवेंट्स। अब एलिमेंट्री इवेंट्स क्या है? मतलब जिसका सिर्फ एक आउटकम आएगा। ठीक है, एलिमेंट्स विच हैव, एलिमेंट्स विच हैव ओनली वन आउटकम। ठीक है, जिसका एक आउटकम आएगा। अब देखो, जैसे हम क्या करते हैं कि किसी सिक्के को टॉस कर रहे हैं। ठीक है, किसी कॉइन को हमने टॉस किया, यहां हमने क्या किया, टॉस अ कॉइन। ठीक है, अब टॉस करेंगे तो हमें पता है कि एक बार क्या आएगा, हेड आएगा, और एक बार क्या आएगा, टेल आएगा। ठीक है, अब यहां बोल दिया जाएगा कि आप प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल निकालो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल कैसे निकलेगा? देखो, टोटल आउटकम्स कितने आए, एक और दो, मतलब टोटल आउटकम्स आ गए हमारे दो, और हम निकाल रहे हैं टेल का, तो टेल सिर्फ एक है, एक बार आया, तो हम क्या कर देंगे, वन अपॉन टू, यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस जो हमारा ये कंसेप्ट था वो ऊपर आ गया, और टोटल आउटकम्स हमारे यहाँ नीचे आ गए। ठीक है, यही था इसमें। अगर बोल दिया जाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड निकालो, तो हेड के लिए क्या करेंगे, पी ऑफ एच रखेंगे, इक्वल टू, ये भी कितनी बार है, एक, और टोटल कितने हैं, दो। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट आता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। अब जो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स है वो भी इंपॉर्टेंट है, इसी से दो चार क्वेश्चन सोल्व हम करेंगे। अब कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स में क्या होगा, देखो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट में क्या होता है कि हमारे पास ये पी ऑफ एच, इसका मतलब जो हमने बार लगाया, इसका मतलब नोट है। ठीक है, इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं,
वन माइनस पी ऑफ एच कर देंगे, मैं यही एग्जाम्पल ले रहा हूँ, पी ऑफ एच कर देंगे, ठीक है। या फिर अगर आपको ये याद नहीं रहता तो सबसे अच्छा तरीका क्या है कि पी ऑफ ई रखो, ई डैश प्लस पी ऑफ ई इक्वल टू कितना, वन। अब देखो इसमें क्या है कि आपने कुछ याद नहीं रखना, सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद रखना जो मैं आपको अब बताऊंगा, ठीक है। पी प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ई नोट इक्वल टू वन माइनस पी ऑफ ई, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एलिमेंट, ई का मतलब एलिमेंट, ये आपने याद रखना है, ठीक है। इस चीज को याद रखना, ये आगे काम आएगा, इसी से हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, ठीक है। तो ये था थोड़ा सा इसका बेसिक। अब बात करते हैं इसकी एक्सरसाइज की, ठीक है। एक्सरसाइज इसकी है हमारी 15.1, और एक ही एक्सरसाइज है इसमें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर वन हमारे पास है, वन से नहीं, हम फिफ्थ नंबर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। हम फिफ्थ नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास है, इफ पी ऑफ ई इक्वल टू 0.05, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ई। देखो नोट ई की बात आ गई ना, यहां देखो नोट ई की बात आई। अब इसको कैसे करेंगे देखना, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है और हमेशा ये पेपर में आएगा ही आएगा, ठीक है। देखो इसको कैसे करेंगे, हमारे पास देख के रखा है पी ऑफ ई, पी ऑफ ई दिया है हमारे पास 0.05, ठीक है। 0.05 हमारे पास पी ई दिया है, हमें निकालना क्या है पी नोट ई, ये हमें फाइंड करना है। अब मैंने आपको इसका फॉर्मूला बताया, ये देखो ये इसका फॉर्मूला है, बस इसको अप्लाई कर दो, क्वेश्चन खत्म। हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई लिखेंगे प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नोट लिखेंगे इक्वल टू वन, ठीक है ना। उसके बाद क्या करेंगे, हमें निकालना क्या है, पी नोट ई निकालना है। सबसे पहले तो जो जो हमें है गिवन उसकी वैल्यूज लिख लो, 0.05 लिखा प्लस पी नोट ई लिख दो, ठीक है, इक्वल टू वन। अब क्या करेंगे, पी नोट ई को हम यहीं रखेंगे और इसको वहां शिफ्ट कर दें, तो 1 माइनस 0.05 कर दिया, तो पी नोट ई हमारा कितना आ गया, पी नोट ई कितना आ गया हमारा, इसको हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो माइनस करके कितना आ जाएगा 0.95, ठीक है। ये तो आपको आता होगा माइनस करना, ठीक है, कैसे करेंगे वो आपको आता है। देखो क्या करेंगे, अब वन हमारा क्या है बड़ा है, ठीक है, 1.00 लिख लो और नीचे क्या 0.95, ठीक है। यहां से क्या किया, कैर इसको किया तो हमारे पास यहां पर कितना आएगा 10, कितना बच गया 5, इसने इसको कैरी दिया ऊपर, कितना है 10, यहां से 9, तो यहां से कितना आ गया हमारे पास, कितना आ जाएगा ये, सॉरी यार यहां पर 0.05 था, 1.00 है ना, और 0.05 इसको कर रहे हैं हम, तो यहां से ये कितना आ गया मेरे पास 5 आया, यहां से उड़ाया तो कितना आएगा 10 बना, इसने इसको कैरी दिया 9 और यहां पर 0, ठीक है। तो ऐसे इनको किया जाता है माइनस, तो ये आ गया मेरा 0.95, यही हमारा आंसर है, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, अ बैग कंटेन लेमन फ्लेवर कैंडीज ओनली, ठीक है, एक बैग में क्या है लेमन फ्लेवर कैंडीज है, सिर्फ लेमन। और बोला आगे बोलता है कि मालिनी टेक्स आउट वन कैंडी विदाउट लुकिंग इन टू अ बैग, मतलब जो लड़की का नाम है मालिनी, उसने क्या किया बैग में हाथ डाला और बिना देखे क्या किया उससे एक कैंडी बाहर निकाल ली, ठीक है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट, तो फर्स्ट नंबर पे हमारे पास दिया है एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी, ठीक है, यहां दिया है हमारे पास एन ऑरेंज कैंडी, सॉरी ऑरेंज फ्लेवर कैंडी, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे हम, क्या करेंगे, देखो हमें बोला गया कि लेमन, सिर्फ उसमें क्या है लेमन फ्लेवर की ही कैंडीज हैं, ठीक है, लेमन फ्लेवर की ही कैंडीज हैं, तो हम क्या निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज की, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज। तो ऑरेंज की देखो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, एफ ए वी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, और नीचे आ जाएगा टोटल आउटकम्स, ठीक है ना।
अब ऑरेंज तो उस बैग में एक भी कैंडी नहीं है, ऑरेंज की कैंडी एक भी नहीं है, तो कैंडीज कितनी है? सिर्फ एक। कौन सी है? कौन से फ्लेवर की है? लेमन फ्लेवर की। तो टोटल आउटकम तो आ गया 1, ठीक है, और नंबर ऑफ फेवरेट फेवरेबल केसेस कितने आ गए? 0। तो 0/1 करेंगे, हमारे पास सिर्फ 0 ही आएगा, तो इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। अब सेकंड पार्ट में बोला गया है, सेकंड पार्ट में है अ लेमन फ्लेवर कैंडी। अब बैग में तो सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड ही कैंडी थी, हमने उसको निकाल दिया, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लेमन का क्या कर देंगे, क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइड में टोटल आउटकम्स, ठीक है, टोटल आउटकम्स। तो देखो लेमन, प्रोबेबिलिटी ऑफ लेमन, लेमन की एक कैंडी है, तो हम क्या करेंगे, 1/1 कर देंगे, ठीक है, 1/1 करेंगे तो कितना आएगा? ओनली 1, और यही हमारा आंसर भी है, ठीक है। तो दो क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास दिया है, 7 नंबर क्वेश्चन है, इट इज गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स, देखो क्या दिया क्वेश्चन में, इन अ गिवन, इट इज गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स हैव नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.992, कि एक ग्रुप में 3 बच्चे हैं, ठीक है, उसमें से 2 बच्चों की प्रोबेबिलिटी ऐसी जिनका बर्थडे जो है सेम डे पे नहीं आता, ठीक है, तो उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी दी है? 0.992। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे? तो हमें निकाल के बताना है कि 2 बच्चों की प्रोबेबिलिटी क्या होगी जिनका सेम बर्थडे आए। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 को किया था, सेम इसको भी हम वैसे ही करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे हम इसमें, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कर देंगे कि सेम बर्थडे की बात की है, ठीक है, तो आप सेम बर्थडे कैसे लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम बर्थडे इक्वल टू कितना आ गया, सेम बर्थडे में कितना आ गया? 0.992, ठीक है। और दूसरे में क्या लिख देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखो ये जो बात की है ना, ये उनकी की है जिनका सेम बर्थडे नहीं आता, तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर नोट लगा देंगे, ठीक है, इसके ऊपर नोट लगा देंगे, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं लिखाऊं तो आप लिख दो इसको पी ऑफ ई, भी आप लोग लिख सकते हो, पी नॉट ई इक्वल टू 0.992 हमारे पास दिया है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हमें क्या है निकालना है, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला कौन सा लगेगा दोबारा से, जो हम लगा चुके हैं लास्ट क्वेश्चन में, 5th क्वेश्चन में, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू 1, ठीक है, इसको आगे पीछे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना है मेरे पास, ई नॉट कितना है? 0.992 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई को हमने निकालना है, ठीक है। देखो मैं सिंपल वे में करवा रहा हूँ, कोई बड़ा टफ नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यहाँ रखो और 1 इसको वहां ले जाओ, -0.992। जब आप इसको सोल्व करोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यानी कि सेम बर्थडे जो है वो कितना आएगा, 0.008 आंसर, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5th और 7th क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो आपने सिंपल इतनी बड़ी इक्वेशन दी है, सिर्फ हमने इसको इतना सा करके सोल्व करना है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, अ बैग कंटेन रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स, ठीक है, हम क्या करते हैं पहले लिख लेते हैं कि अ बैग कंटेन रेड बॉल्स, तो लाल रंग की बॉल कितनी है? 3। अ बैग कंटेन ब्लैक बॉल, ब्लैक कितनी है हमारे पास? 5। तो टोटल बॉल्स कितनी आ गई इक्वल टू, दोनों को ऐड कर देंगे 8 आ गया, ठीक है। आगे बोलता है, अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, अब बैग में से बॉल को निकाल लिया जाता है, ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड, अब उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि बॉल जो निकाला वो रेड है? तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को निकाल लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या कर देंगे, रेड, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कैसे आएगा, अब रेड बॉल हमें पता है कितनी है, 3, तो नंबर ऑफ
फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल आउटकम्स। तो यहां पर कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने हैं, 3 अपॉन में टोटल 8। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। अब सेकंड पार्ट में हमें दिया है, सेकंड पार्ट में दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड। ठीक है, तो नॉट रेड के लिए हम क्या करेंगे, नॉट रेड के लिए हम क्या करते हैं, देखो नॉट रेड निकालने के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड हमारे पास है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ आर नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कितनी है, 3 अपॉन 8 प्लस पी ऑफ आर नॉट इक्वल टू 1। अब क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर नॉट को यहीं रखेंगे और 1 इसको वहां ले जाएंगे तो माइनस 3 अपॉन 8 कर देंगे। ठीक है, अब इसको करने के बाद हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 8 ही आएगा क्योंकि इसकी जगह 1 है। तो यहां पर बचा 8, यहां पर आया माइनस के 3। ठीक है, तो कितना आ गया, 5 अपॉन 8 हमारा आंसर। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, कोई हार्ड नहीं है, सिर्फ ये नोट वाला फॉर्मूला याद रखना। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दिया है, अ बॉक्स कंटेन 5 रेड मार्बल्स 8 व्हाइट मार्बल्स एंड 4 ग्रीन मार्बल्स। ठीक है, एक बॉक्स में क्या है, अ बॉक्स कंटेन, अ बॉक्स कंटेन रेड मार्बल्स, रेड मार्बल्स। तो रेड मार्बल्स कितने हैं हमारे पास, 5। अ बॉक्स कंटेन व्हाइट मार्बल, व्हाइट कितने हैं हमारे पास, व्हाइट है 8। और बॉक्स कंटेन ग्रीन मार्बल, तो ग्रीन हमारे पास है 4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तीनों का टोटल कर देंगे। तो टोटल मार्बल्स, टोटल मार्बल्स कितने आ गए, ऐड कर दो 17। ठीक है, कितना आ गया, टोटल 17 आ गए। अब आगे बोलता है क्वेश्चन में, वन मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स एट रेंडम, एक उससे उसमें से मार्बल निकाल लिया जाता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट विल बी रेड। उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो हमने मार्बल निकाला वो रेड है, व्हाइट है या फिर नॉट ग्रीन है। तीन पार्ट दिए हैं इसके, तो फर्स्ट पार्ट लेंगे हम। सबसे पहले क्या निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड के लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल आउटकम्स। तो रेड के कितने कितने हमारे पास, रेड 5 है, तो 5 अपॉन 17 इसका आंसर आ गया। सेकंड पार्ट में हमें दिया है, सेकंड में बोला गया है व्हाइट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या निकाल देंगे, व्हाइट। अब मैं इसको नहीं लिखूंगा, आपने लिखना, ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस, इसको लिख लेना आप। तो व्हाइट कितनी है मेरे पास, 8, तो 8 अपॉन कितना आ गया, 17। ठीक है, ये सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। अब थर्ड पार्ट में हमें बोला गया है, थर्ड पार्ट में हमें क्या बोला गया है कि आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है नॉट ग्रीन की, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन। अब देखो, नॉट ग्रीन तब निकलेगा जब हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन दिया होगा। तो अब पहले क्या करेंगे, हेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन, सबसे पहले तो ग्रीन निकाल लो। ग्रीन के कितने हमारे पास मार्बल हैं, हमारे पास ग्रीन के 4 मार्बल्स हैं, तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल आउटकम्स। तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस यानी कि ग्रीन मार्बल मेरे पास है 4 और अपॉन 17, तो ये मेरे पास क्या आ गया, सिर्फ ग्रीन का है। अब क्या निकाल दें हम इसकी हेल्प से, नॉट ग्रीन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन कैसे निकालेंगे, पी ऑफ क्या रख देंगे सबसे पहले, तो ग्रीन प्लस पी ऑफ नॉट ग्रीन इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन कितना है, 4 अपॉन 17 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन इक्वल टू 1। यहां से क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन को रखो और 1 माइनस 4 अपॉन 17, एलसीएम लेंगे तो 17 ही आएगा, इसके नीचे 1 है। ठीक है, ऊपर आ गया 17 माइनस 4, तो कितना आ गया, इसको माइनस करके 13 अपॉन 17, यही हमारा आंसर भी है। ठीक है, अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है, अ पिगी बैग कंटेन्स 150 पैसा कॉइन। ठीक है, एक पिगी बैग है, बैंक है, ठीक है, पिगी बैंक है एक, मतलब एक जिसको आप बोल सकते हो कि गुल्लक। ठीक है, उसमें क्या है कि 150 पैसे कॉइन,
100 जो है उसमें 50 पैसे के सिक्के हैं, 50 रुपीज 1 कॉइन, और 50 जो है वो 1 रुपए के सिक्के हैं, 22 रुपीज कॉइन, 20 जो है 2 रुपए के सिक्के हैं, एंड 10 रुपीज 5 कॉइन, यानी कि 10 रुपए जो है वो 5 के सिक्के, 10 जो है उसमें 5 रुपए के सिक्के हैं, उसमें 10 जो है 5 रुपए के सिक्के हैं। इफ इट इज इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ द क्वाइन विल फॉल आउट वेन द बैंक इज टर्न अपसाइड डाउन, यानी कि बोलता है कि वहां से हम क्या करते हैं कि क्वाइंस को अगर निकाल लिया जाए तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द क्वाइन विल बी 50 पैसा क्वाइन, तो वहां से बताओ कि 50 पैसे का क्वाइन है, या फिर विल नॉट 5 रुपीज क्वाइन, एक हमें निकालना है कि 50 पैसे का क्वाइन है, एक निकालना है कि वो 5 रुपए के क्वाइन नहीं है। तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो लिखो कि अ पिगी बैंक कंटेन, अ पिगी बैंक कंटेन 50 पैसे क्वाइन, ठीक है, 50 पैसे के क्वाइन कितने उसमें, इक्वल टू 100। फिर बोलता है पिगी बैंक कंटेन 51 रुपी कॉइन, यानी कि 1 रुपए के कितने सिक्के हैं, 1 रुपी कॉइन कितने हैं वो 50। फिर बोलता है कि उसमें जो 20 हैं वो 2 रुपए के सिक्के हैं, तो 2 रुपीज के जो कॉइन है वो कितने हैं, 20। और लास्ट में बोल दिया है कि 5 रुपए के जो सिक्के हैं वो हैं उसमें 10। अब हम क्या करेंगे, इसका टोटल कर लेंगे, तो टोटल कॉइन्स कितना आ गया, टोटल कर दो इसका, 081, ठीक है, कितना आ गया टोटल, 180 कॉइन्स। अब फर्स्ट पार्ट हमें दिया है कि विल बी अ 50 पैसे क्वाइन, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या निकाल देंगे हम, 50 पैसे क्वाइन का, क्या करेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल आउटकम्स, ठीक है, तो 50 पैसे के कितने सिक्के हैं भाई, 100, कितने, 100, तो 100 अपॉन टोटल कितना है, 180, तो यहां से कितना आ गया, इसको कट कर दो, और 2 5 10, 2 9 18, तो कितना आ गया, 2 अपॉन 9, ठीक है, सॉरी यार, हाँ ठीक है ठीक है, 2 अपॉन 9, ओ 2 5 यार, 2 5 सॉरी, 5 अपॉन 9 आ जाएगा, ठीक है, बीच में थोड़ी मिस्टेक हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको देख लेना आप। अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट, में हमें बोला गया है कि विल नॉट बी ₹5 क्वाइन, अब 5 रुपी का क्वाइन वो नहीं है, हम पहले क्या निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 रुपी, ठीक है, हेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 रुपी क्वाइन, सबसे पहले तो उसको निकालो, तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस आप लिख लेना, अब 5 रुपए के कितने सिक्के हैं हमारे पास, 5 रुपए के हैं हमारे पास 10 सिक्के, तो 10 अपॉन कितना आ गया, 180, 10 से 10 कितना बचा, 1 अपॉन 18, अब हमें निकालना है नोट, नोट के लिए निकालना है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट 5 रुपी क्वाइन, है ना, नॉट 5 रुपी क्वाइन, तो यार सिंपल लिखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नोट, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नोट इक्वल टू, ये निकालना है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नोट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई लिख दो और इक्वल टू 1 कर दो, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नोट क्या आ जाएगा, एज इट इज, और ये कितना है मेरे पास, 1 अपॉन 18 इक्वल टू 1, यहाँ से क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नोट निकाल लेंगे, 1 माइनस 1 अपॉन 18 कितना आ गया, एलसीएम लेके 18 ही आएगा, ठीक है, कितना आएगा 18, यहाँ पर बचा 18 माइनस 1, यानी कि 17 अपॉन 18 हमारा आंसर, ठीक है, बड़े सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से समझ लें इनको, ठीक है, और इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 हमें दिया है, गोपी बाइज अ फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर हिज एक्वेरियम, उसने एक एक्वेरियम के लिए क्या किया, बाजार से गोपी ने मछली को खरीदा, ठीक है, द शॉपकीपर टेक्स आउट वन फिश एट रैंडम फ्रॉम अ टैंक कंटेनिंग 5 मेल
फिश एंड 8 फीमेल फिश। अब एक कंटेनर में जो है उसके पास, दुकानदार के पास जो टैंक है उसमें जो है 8 क्या है, मेल फिश है, और सॉरी 8 जो है फीमेल फिश है और 5 जो है मेल फिश है। सबसे पहले के लिखेंगे हम मेल फिशेज, मेल फिश। तो मेल फिश कितनी है, इक्वल टू 5, ठीक है, और फीमेल इक्वल टू 8। टोटल फिश टोटल कितनी है, दोनों को ऐड कर देंगे, 13 आ गया। अब हमारे पास टोटल आ चुका है, ठीक है। अब आगे बोलता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज मेल फिश। उसने बोला कि जो दुकानदार ने मछली एकदम से निकाली वो मेल फिश थी, तो क्या निकाल देंगे हम, सिर्फ प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फिश, क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल आउटकम्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने आ गए हमारे पास मेल के लिए, मेल है हमारे पास 5 और टोटल कितने हैं, 13। यही हमारा आंसर भी हो गया, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास दिया है, अ गेम ऑफ अ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो, ठीक है। एक एरो आपके पास बुक में ये दिया हुआ है, ये स्पिनिंग बनाया है, ठीक है। एन एरो विच कम्स टू रेस्ट पॉइंटिंग एट वन ऑफ द नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 तक इसमें क्या है, नंबरिंग की है, और जो पॉइंटर है वो किसी एक नंबर पे जाके रुकेगा। एंड दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम, और ये जो सारे हैं वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट ए। अब बताओ कि वो पॉइंट ए जो है 8 पे आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले क्या लिख लेंगे कि टोटल जो नंबर्स हैं, तो टोटल नंबर क्या आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हो, टोटल आउटकम कितने हैं, 8, ठीक है ना, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 आपके पास दे के रखा है। हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ 8, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 कि 8 कितनी बार आया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 इक्वल टू क्या लिख लेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस, उसको लिखना जरूरी है भाई, ठीक है, वरना मार्क्स कटेगा, उसको लिख लेना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 8, 8 देखो मेरे पास कितने हैं, सिर्फ मैं यहाँ पर बना ही देता हूँ, ठीक है। इस तरह से एक डायग्राम दिया है, ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। इसमें बोलते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 8, अब 8 कितनी बार आया, सिर्फ एक बार ही आया, कितनी बार आया, सिर्फ एक बार, तो 1/8 कर देंगे, ये हमारा इस फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। सेकंड पार्ट बोलता है एन ओड नंबर बताओ इसमें, ठीक है। अब ओड नंबर कौन से हुए जो 2 से डिवाइड नहीं होते, तो ओड नंबर के लिए क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ओड नंबर इक्वल टू, यहां चेक करो, 1 3 5 7, यानी कि 1 2 3 और 4, 4 आ गए, ठीक है। सबसे पहले के लिख लो, इसको लिखने से पहले लिख लेना टोटल ओड नंबर इक्वल टू 4, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ओड नंबर यहां क्या कर देंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो फेवरेबल केसेस कितने आ गए हमारे, 4/8, तो 4 1 4, 4 2 8, यानी कि 1/2 इसका आंसर आ गया। थर्ड पार्ट हमारे पास है, अ नंबर ग्रेटर देन 2, बोलता कि नंबर ग्रेटर देन 2, तो ग्रेटर देन 2 कौन से हो सकते हैं, हम क्या लिख देंगे, अ नंबर ग्रेटर देन 2 इक्वल टू कितना लिख सकते हैं हम, देखो 2 से बड़े जितने भी हैं, 3 4 5 6 7 8, कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6, कितने आ गए, 6। हम यहाँ लिखेंगे 3 2 2 के बाद 3 आएगा, 4 आएगा, 5 6 7 और 8, ठीक है, ये सारे 2 से बड़े हैं, तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, कितने आ गए, 6। अब क्या निकाल दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर ग्रेटर देन 2 इक्वल टू,
नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने हैं मेरे, 6 अपॉन टोटल कितने, 8। 2 3 ज़ा 2 4 ज़ा कितना आ गया, 3 अपॉन 4। ये इस पार्ट का आंसर। अब बात करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमें दिया है अ नंबर लेस देन 9, अ नंबर लेस देन 9। तो लेस देन 9 में कौन कौन सा आ जाएगा भाई, नंबर लेस देन 9 में हमारे पास आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, कितने हो गए टोटल, इक्वल टू 8। हमें निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर लेस देन 9 इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल आउटकम्स। तो 8 अपॉन कितना आ गया, 8 कितना आ गया जी, 1। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है, अ डाई इज थ्रोन वंस, एक जो पासा है मतलब डाई जो है लूडो खेलने वाला उसको हमने एक बार फेंका, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, अ नंबर दूसरा दिया है अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6। देखो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे कि अ डाई इज थ्रोन वंस, ठीक है, अ डाई इज थ्रोन, 13 नंबर क्वेश्चन है, वंस, जब हमने एक बार उसको फेंका तो हमारे पास आउटकम्स क्या आएंगे, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, टोटल आउटकम कितने बन गए, 6। हमें फर्स्ट पार्ट में निकालना है, ए पार्ट दिया है हमारे पास अ प्राइम नंबर, क्या दिया है, अ प्राइम नंबर। अ प्राइम नंबर कौन से हुए, जो वन से और खुद से अपने ही नंबर से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो कौन कौन से होते हैं भाई, यहां देखो इसमें एक तो 2 आ जाएगा, 1 3 आ जाएगा और 1 5 आ जाएगा। तो प्राइम नंबर कौन से है, 2 3 और 5। तो हम क्या लिख देंगे यहां पर, टोटल कितने हुए, टोटल प्राइम नंबर इक्वल टू 3। हमें निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर के लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो फेवरेबल केसेस कितना आए, 3, और टोटल कितने, 6। तो कितना आ गया, 1 अपॉन 2। ठीक है, अब सेकंड पार्ट है इसका, सेकंड पार्ट में क्या दिया है, बी पार्ट में हमें दिया है अ नंबर लाइंग बिटवीन, बी पार्ट हमें दिया है अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6। 2 और 6 के बीच में कौन कौन से नंबर लाई कर रहे हैं, तो 2 और 6 के बीच में कौन कौन से नंबर है भाई, 3 4 और ये 5। ठीक है, कितने हैं, तो टोटल नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6 इक्वल टू 3। यहां भी क्या निकाल दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6 इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस, उसको मैं बार बार बोल रहा हूँ, लिख लेना। ठीक है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अब 3 है और टोटल 6 है, तो ये भी कितना आ गया, 1 अपॉन 2। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। अब 14 से अगले क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चन समझ आए, तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करो, अपने फ्रेंड्स के साथ इनको ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।